22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब भारत के क्रिकेटर्स को न्योता मिला तो खिलाड़ियों ने राम मंदिर को लेकर अपना दिल खोला, करोड़ों का दान देते हुए सभी का दिल जीत लिया। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी प्रभु श्री राम को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, काफी सालों से चल रहे लंबे इंतजार के बाद अब वह घड़ी सामने आ गई जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का जहाँ पर जन्म हुआ वहाँ पर उनके नाम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को यह दिन रखा गया प्राण प्रतिष्ठा का, जहाँ पर बड़े से बड़े दिग्गज और देश की हस्तियों को न्योता मिला। आपको बता दे कि सचिन तेंदुलकर को राम मंदिर का इन्विटेशन प्राप्त हुआ था और सचिन तेंदुलकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में पहुँच भी चुके हैं। आपको बता दे कि एयरपोर्ट पर उन्हें सपोर्ट भी किया गया। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इस बीच 20 करोड़ रुपए दान मंदिर के लिए देकर करोड़ों भारतीयों को अपना मुरीद बना लिया। उन्होंने कहा, 500 साल के वनवास के बाद जब राम वापस आ रहे हैं तो हम सभी का कर्तव्य बनता है इस मंदिर को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने का। इसलिए मैं अपने कर्मों को बेहतर बनाना चाहता हूं, इसलिए यह छोटी सी भेंट मंदिर के लिए। इसके अलावा आपको बता दे कि महेंद्र सिंह धोनी को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला था और धोनी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। वहां पर उन्होंने न सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन किए बल्कि कहा कि यह हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। इतने लंबे इंतजार के बाद यह मंदिर जब बना है तो यह हम सबकी जीत हुई है। उन्होंने कहा, हमें अब इस मंदिर के साथ प्रभु श्री राम के कर्मों का पालन करना चाहिए और उनके तहत जिंदगी गुजारनी चाहिए। विराट कोहली को भी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था और वह भी अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ राम मंदिर पहुंच चुके हैं। साथ ही अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने भी 10 करोड़ रुपए की मोटी रकम मंदिर को देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। जिस भगवान की वजह से आज उन्हें इतनी ज्यादा सक्सेस मिला, उनके लिए वह इतना तो कर ही सकते हैं। उन्होंने इस तरह से मंदिर के लिए दान देते हुए सभी का दिल जीत। तो वही रविंद्र जडेजा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वह भी मंदिर पहुंचे और उन्होंने भी मंदिर के दर्शन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग दिया। साथ ही कहा कि हर एक भारतीय को यहां पर जरूर आना चाहिए, प्रभु राम के दर्शन सभी को करने चाहिए। साथ ही उन्होंने भी 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने सभी का दिल जीत लिया। वैसे आप सभी उनकी इस महानता को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।